Hello students, good afternoon to one and all, and this video lecture is for the stem cells part 1. इसमें हम स्टेम सेल्स क्या होती हैं, उनकी बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अलावा कितने टाइप की स्टेम सेल्स होती हैं, इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. एक्चुअली स्टेम सेल्स जो है वो आपके सिलेबस में विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स दिया गया है. तो हम पूरा जो टॉपिक है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट पार्ट विल डील विद द बेसिक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अलॉन्ग विद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एंड पार्ट टू इज सम एडवांस कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द स्टेम सेल्स लाइक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, वॉट आर द adult stem cells and what are the applications as well as with the significance, advantage and non and other applications related with the stem cells. Stem cells क्या होती हैं? Stem cells actually हम लोगों ने सभी ने सुना है stem cells जो हैं वो उनको काफ़ी सारी disease के लिए जो है preserve किया जाता है और disease के cure करने के लिए stem cells को काफ़ी use में लिया जाता है. लेकिन stem cells जो हैं वो क्या होती हैं इसके बारे में बहुत कम हम लोगों को आइडिया होता है. तो स्टेम सेल्स जो होती हैं ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, एंड दो सेल्स दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग इनडेफिनेटली. ठीक है, तो ये इनडेफिनेट टाइम जो है अपने आप को डिवाइड कर सकती हैं और डिवाइड करके अपनी जैसी कॉपी को ये मेंटेन करती है. यानी एक स्टेम सेल्स जब डिवाइड होती है और दो स्टेम सेल्स को बनाती है तो उसमें से एक स्टेम सेल्स जो होती है वो अपनी खुद की ओरिजिनल स्टेम क्वालिटीज़ को मेंटेन करती है, जबकि जो दूसरी स्टेम सेल होती है जो डिवाइड होकर बनती है वो अपना कोई दूसरा फॉर्म जो है वो स्क्वायर को एक्वायर कर सकती है. तो स्टेम सेल्स आर द दो सेल्स दैट हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफ्रेंशिएशन. तो इसमें अपने आप की कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को भी रिन्यू करती है, ताकि स्टेम सेल्स की अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सकती है, उसकी अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो मेंटेन रह सकती है और वो दूसरी सेल्स में भी डिफ्रेंशिएट हो सकती है. सेल्फ रिन्यूअल इज द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू प्रोलीफरेट विदाउट द लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन पोटेंशियल एंड विदाउट अंडरगोइंग सेनेसेंस. और ये जो इनकी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी होती है, यानी एक स्टेम सेल्स जो होती है वो इनडेफिनेट टाइम तक अपने आप को डिवाइड कर सकती है और अपने आप को रिन्यू कर सकती है. तो ये जो रिन्यूइंग होती है, रिन्यूएशन होता है, इसमें क्या होता है कि ये अपनी पोटेंशियलिटी को कभी भी किसी भी ग्रेड तक लॉस नहीं करती है. यानी इनकी जो पोटेंशियलिटी है डिवाइड होने की वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है. और इसके साथ ही उन सेल्स में सेनेसेंस भी नहीं होता है. सेनेसेंस जो होते हैं ये साइंटिफिक टर्म में हम एजिंग को लेते हैं. वैसे एजिंग और सेनेसेंस दोनों अलग टर्म्स हैं, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है. लेकिन यहाँ पे हम सेनेसेंस जो है उसको हम एजिंग की फॉर्म में देख रहे हैं कि एक सेल जो है वो कभी भी एज्ड नहीं होती है. स्टेम सेल इज अ बैंक और प्रिकर्सर सेल्स दैट कैन गिव राइज टू मल्टीपल टिश्यूज सच एज स्किन, मसल्स और न्यूरोनल सेल्स. यानी एक स्टेम सेल्स जो होती है जो कि किसी भी टाइप की सेल्स को बना सकती है, बॉडी के किसी भी टाइप की सेल्स को जो है बना सकती है. स्टेम सेल्स एसेंशियली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी. स्टेम सेल्स आर वेरी यूनिक सेल्स, बहुत ही यूनिक टाइप की सेल्स होती हैं. हैव अमेजिंग एबिलिटी टू डेवलप इनटू द सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द बॉडी. स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड एज अ रिपेयर सिस्टम फॉर द बॉडी. ठीक है, तो किसी भी टाइप की सेल्स जो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती हैं या जिनकी वर्किंग या फंक्शनैलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पर हम स्टेम सेल्स के थ्रू उन सेल्स को रिप्लेस कर सकते हैं. When a stem cells divide, each new cell has the potential to either remain a stem cells or become another type of cells with more specialized function. यानी एक सेल जो है जब स्टेम सेल डिवाइड करती है तो वो अपनी अपने आप की जैसी सेल को भी बनाती है और दूसरे टाइप की जो भी जरूरत होती है बॉडी को उस टाइप की सेल्स भी वो बना पाती है. तो अभी तक का जो हमने स्टेम सेल्स के बारे में देखा उससे हम पता लगा सकते हैं कि देयर आर थ्री यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रिन्यूइंग देमसेल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड. लंबे समय तक ही अपने आप की आइडेंटिटी को मेंटेन रख सकती हैं. दे आर अनस्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स, यानी ये एक जनरल टाइप की सेल्स होती हैं जो अनस्पेशलाइज होती हैं, यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइप की सेल्स नहीं होती हैं. लाइक जैसे हमारे बॉडी में लिवर सेल्स है, पेनक्रिया सेल्स है, स्किन सेल्स है, तो हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर द स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स. स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स को ये सिंथेसाइज करती हैं. लेकिन स्टेम सेल्स के केस में क्या होता है, ये जनरल टाइप की सेल्स होती हैं, यानी ये किसी भी टाइप की सेल्स को बना सकती हैं.
तो यहाँ पे हम कहते हैं दीज आर द अनस्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स एंड दे कैन गिव राइज टू द स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स, और ये कुछ स्पेशलाइज टाइप की सेल्स को बना सकती है। स्टेम सेल्स इज अनकमिटेड अंटिल इट रिसीव अ सिग्नल टू डेवलप इनटू अ स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स। तो स्टेम सेल्स कैसी होती है? अनकमिटेड। कमिटेड मीन्स कि जैसे ही इसको किसी भी टाइप का सिग्नल मिलता है, लाइक इसको न्यूरोनल सेल का सिग्नल मिलता है कि दीज सेल्स हैव टू बी डेवलप इनटू अ न्यूरोनल सेल्स और अ लिवर सेल्स, तभी ये एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स बनती हैं, अदरवाइज ये एक अनकमिटेड टाइप की सेल्स में प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेम सेल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं। सिंगल सेल एम्ब्रियो दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द 3 डे एम्ब्रियो, देन 5 to 7 डे एम्ब्रियो, 4 week एंड 6 week एम्ब्रियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेम सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। इनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स, फीटल टिश्यू स्टेम सेल्स, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा सेल्स। तो जहाँ पे भी जो एक तो फास्ट डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं वहाँ पे आपको जर्म सेल्स स्टेम सेल्स जो होती नज़र आती हैं, लाइक एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल जर्म्स जो सेल्स होती हैं या गोनियल जो सेल्स होती हैं मदर सेल्स, वो क्या होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं। तो दे कैन डिवाइड इनडेफिनेटली एंड फॉर्म द रिस्पेक्टिव गैमेट्स। इसी तरह से इंटेस्टाइन में भी आपके स्टेम सेल्स होती हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं जो कि ब्लड ब्लड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स को देती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं स्टेम सेल्स। डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द प्रोजिनेटर प्रिकर्सर सेल्स एंड स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे हम दो तरह की सेल्स देखते हैं, तो प्रोजिनेटर या प्रिकर्सर सेल्स होती हैं और स्टेम सेल्स होती हैं। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है? स्टेम सेल इज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डेवलप इनटू अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं जो कि सिग्नल मिलने पर किसी पर्टिकुलर टाइप की सेल्स को बनाती हैं। स्टेम सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू वन एडिशनल स्टेम सेल्स एंड अ स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो हम ये स्टेम सेल्स डिवाइड होके एक तो स्टेम सेल खुद बनाएगी अपने जैसी सेल और दूसरी कोई भी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसका भी इंडक्शन आया हुआ है या किसी जिसका भी कोई सिग्नल प्रेजेंट है सेल के पास में, वो उस पर्टिकुलर टाइप की सेल्स को बनाती है। इसी के साथ में होते हैं प्रोजेनिटर या प्रिकर्सर सेल्स। ये कैसी होती हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं दैट इज कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल डिवीजन बाय यील्डिंग टू स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये भी एक तरह से अनस्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं, बट इनमें अपनी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है, यानी ये जब डिवाइड होती हैं तो दो स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स बनाती हैं। जैसे कि आप कहेंगे माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स जो कि आपके पूरा ब्लड की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स को देती हैं, तो उसमें न्यूट्रोफिल सेल्स या आरबीसी सेल्स या डब्ल्यूबीसी सेल्स, ये क्या है? ये अनस्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स ने दो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेम सेल्स में हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स की बात की हुई है, जिसमें कि ये डिवाइड हुई हैं, डिवाइड होकर के इन्होंने अपनी सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी शो की है, जिसमें कि स्टेम सेल्स को भी मेंटेन करती हैं और जो दूसरी सेल बनती है वो कुछ स्पेशलाइज टाइप की सेल्स बनती है। लाइक अगर हमारी बॉडी को सिग्नल इन सेल्स को सिग्नल अगर न्यूरोनल सेल्स का बना है तो ये न्यूरोनल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन प्रोजेनिटर सेल्स को आप देखेंगे जब ये डिवाइड होती हैं तो दो स्पेशल अलग अलग टाइप की स्पेशलाइज सेल्स जो कि एक ही फैमिली को बिलोंग कर रही होती हैं, लाइक यहाँ पे आप देखेंगे न्यूट्रोफिल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये दोनों ही आपके कैसे हैं? हेमेटोपोएटिक या ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इनमें। नाउ वी कैन क्लासीफाई द स्टेम सेल्स बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन एंड डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल और डिफरेंट एक्टिविटी। सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेस पे दो तरह की हो सकती हैं, एम्ब्रियोनिक इफ वी आर गेटिंग दीज एम्ब्रियोनिक सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो इटसेल्फ, और एडल्ट अगर ये एडल्ट से ली हुई हैं। डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल यानी इनकी जो पोटेंशियलिटी है डिवाइड करने की या स्पेशलाइज्ड होने की, उसके बेस पे ये चार तरह की हो सकती है, टोटिपोटेंट सेल, प्लूरीपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल एंड यूटीपोटेंट सेल्स। तो यहाँ पे हम ये अलग अलग टाइप की पोटेंशियलिटी होती है इनमें। टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होती हैं जो कि पूरा एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती हैं, जिसमें कि एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं। जब हम गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस पढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में एक एम्ब्रियोनिक सेल मास होता है, इसके अलावा आउटर लेयर जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, दिस लेयर गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट बनाती हैं, जैसे कि प्लेसेंटा या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, योक्सा, कैलेंटोइस। इसके अलावा आपके जो मेन इनर सेल मास होता है वो क्या बनाता है? एम्ब्रियोनिक पोर्शन बनाता है। तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होती हैं जो कंप्लीट एम्ब्रियो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट यानी कंप्लीट इंडिविजुअल का सिंथेसिस कर सकती हैं।
जबकि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होती हैं कैन मेक ओनली एम्ब्रियो प्रॉपर. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को नहीं डेवलप कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगी, ये एम्ब्रियो का सिंथेसिस कर सकती हैं. एम्ब्रियो में ये जर्म सेल्स बना सकती हैं, एनी टाइप ऑफ जर्म लेयर्स, देयरफॉर दे कैन मेक एनी सेल्स ऑफ द बॉडी. मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन ओनली मेक मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स बट थ्रू अ सेम जेनरा, एक ही टाइप की सेल्स, जैसे कि ब्लड ब्लड सेल्स. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है. यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स किसी एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स बनाएंगी, जैसे कि जर्म सेल्स जो होती हैं वो केवल गैमेट्स का ही फॉर्मेशन करती हैं, जर्मिनल सेल्स का ही बनाती हैं, वो किसी अदर टाइप की सेल्स को डिफाइन नहीं करेंगी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो कि जाइगोट से हमें मिलती हैं. जाइगोट से, जाइगोट की जो भी सेल होती है वो क्या, अगर अगर हमारे पास में 4 to 6 ब्लास्टुला है प्रेजेंट, या हमारा मोरूला कंडीशन है जिसमें कि सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस जो कि पूरा कंप्लीटली सेल्स से फिल्ड रहता है, उस मोरूला के कोई भी सेल को अगर आप देखोगे तो वो टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, यानी उसकी हर एक सेल कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकती है. प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हम एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो प्रॉपर है या इनर एम्ब्रियोनिक सेल मास है उसकी सेल्स जो होती हैं वो प्लूरीपोटेंट सेल्स होंगी. इसी तरह से मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो होती हैं जो कि आपके एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं. एंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं वो एक ही टाइप की सेल्स बनाएंगी, जैसे कि आपके न्यूरोनल स्टेम सेल्स जो होती हैं वो न्यूरॉन्स का सिंथेसाइज करेंगी, एपिथेलियल स्टेम सेल्स गट वॉल का सिंथेसिस करेंगी, एंड हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं ये इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का सिंथेसिस करेंगी. तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउन अगर हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल जो है वो, पोटेंशियलिटी जो है वो कम हो रही है और स्पेसिफिसिटी जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स कैसे होती है, लेस स्पेशलाइज्ड होती है, यानी दे कैन डिफरेंशिएट इनटू मेनी टाइप ऑफ सेल्स और वी कैन से एनी टाइप ऑफ सेल्स. नाउ अभी आपके सिलेबस में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स विद स्पेसिफिक स्पेशल रेफरेंस दिया हुआ है. तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं, दीज आर द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो कि कहाँ से निकाली जाती है, एम्ब्रियोनिक इनर सेल मास से निकाली जाती हैं. तो ये जो है थोड़ा सा एथिकल कंसर्न भी है इसका. एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हम क्लिनिक से ले सकते हैं, जहाँ पे कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जैसा प्रोसेस होता है, और वहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को है जो किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है. बेसिकली एम्ब्रियोज के फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, बट इथिकल कंसर्न, देर आर वेरियस इथिकल पॉलिसीज आर हैव बीन डेवलप्ड फॉर दिस यूज ऑफ एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ स्टेम सेल्स. आइसोलेटिंग द एम्ब्रियो ब्लास्ट और इनर सेल मास रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. तो यहाँ पे इनर सेल मास से कुछ सेल्स ली जाती हैं, उनको ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर से उसको इम्प्लांट किया जाता है, और पूरा एनवायरनमेंट जो है वो फीटस के लिए डेवलपिंग, बिल्कुल सारे हॉर्मोन्स, टेम्परेचर, पीएच, सभी का एक बैलेंस रखा जाता है. जिस तरह की ह्यूमन बॉडी में उसको मिलता है, उसी तरह का एनवायरनमेंट जो है यहाँ पे एम्ब्रियोस को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो उनमें ग्रोथ जो है एक नॉर्मल पेस पे हो सके. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऑफ द इनर सेल मास आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, दैट इज दे आर एबल टू डिफरेंशिएट टू जनरेट प्रिमिटिव एक्टोडर्म विच अल्टीमेटली डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन इनटू ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द थ्री जर्म लेयर्स. तो यहाँ पे क्या, प्रिमिटिव एक्टोडर्म का सिंथेसिस होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, और प्रिमिटिव एक्टोडर्म या प्रिमिटिव जो जर्म लेयर्स होती हैं, जो सिंगल जर्म लेयर्स होती है, जैसे हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, एंड दीज, ये जो ब्लास्टोडर्म होती है ये क्लीवेज गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में तीन जर्म लेयर्स का सिंथेसिस करती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन्हीं तीन जर्म लेयर्स से मिलके पूरा हमारे डिफरेंट टाइप की जितनी भी टाइप की सेल्स होती है वो इन्हीं तीन जर्म लेयर्स से मिलके बनी होती है. दीज इंक्लूड ईच ऑफ द मोर देन 220 सेल टाइप्स इन द एडल्ट बॉडी. प्लूरीपोटेंसी डिस्टिंग्विशेस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फ्रॉम एडल्ट स्टेम सेल्स फाउंड इन द एडल्ट, व्हाइल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन जनरेट ऑल द टाइप इन द बॉडी. एडल्ट स्टेम सेल्स आर मल्टीपोटेंट एंड कैन प्रोड्यूस ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स. तो प्लूरीपोटेंसी जो है वो किस टाइप की सेल से हम ले रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से ली हुई हैं या एडल्ट स्टेम सेल से ली हुई हैं, उस पर डिपेंड करती है इनकी पोटेंशियलिटी. इफ द प्लूरीपोटेंट डिफरेंशिएशन पोटेंशियल ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कुड बी हार्नेस्ड इन विट्रो, इट माइट बी अ मीन ऑफ डिराइविंग सेल्स एंड टिश्यू टाइप वर्चुअली टू ऑर्डर. This would provide a radical new treatment approach to a wide variety of the conditions where age, disease or trauma has led to the tissue damage or dysfunctions. तो यहाँ पे बहुत सारे factors होते हैं इस तरह की applications में.
एडिशनली अंडर डिफाइंड कंडीशंस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोपगेटिंग देम सेल्स. तो यहाँ पे अंडर डिफाइंड कंडीशन होती है, पीएच इम्पॉर्टेंट रोल होता है, डिफरेंट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, डिफरेंट हॉर्मोन्स एंजाइम्स इनका प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, इनकी प्रॉपर एक्टिविटी को मेंटेन रखा जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी का एक जो है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट की जाता है जिससे कि एम्ब्रियोनिक जो जर्म सेल्स होती हैं वो एक प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकें. जिस तरह की इन वीवो होता है, जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में डेवलप होता है, उसी तरह से इनके डेवलपमेंट के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन जो है बहुत लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है. दिस अलाउज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स टू बी एम्प्लॉयड एज यूजफुल टूल फॉर बोथ द रिसर्च एंड रीजनरेटिव मेडिसिन. सो रिसर्च एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए जो है ये काफ़ी यूज मिली जाती हैं, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस लिमिटलेस नंबर ऑफ देम सेल्स फॉर कंटिन्यूड रिसर्च और क्लिनिकल यूज. नाउ द क्वेश्चन दैट हाउ टू डिराइव एन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, हम कैसे इसको ले सकते हैं. तो एम्ब्रियोनिक इनर सेल्स जो होती हैं, आइसोलेटेड इनर सेल मास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर सेल मास जो होती हैं 5 to 6 days का जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वहाँ से ले सकते हैं. कल्चर सेल्स जो होती हैं उनसे हम लेते हैं, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यहाँ से ली जाती हैं. तो इनको जब कल्चर हम करते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं. इसी तरह से आप यहाँ ले सकते हैं स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के 5 to 7 days में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर सेल मास है, चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है. इनमें से इनर सेल मास की जो सेल्स होती हैं उनको हम लेते हैं, ग्रो करते हैं कल्चर में, कल्चर करते हैं, और फिर हम उनको पर्टिकुलर टाइप का जो एक स्टिमुलस होता है वो देने के बाद हम उन सेल्स को पर्टिकुलर टाइप की सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक न्यूरोनल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स में, स्किन सेल्स में, जिस भी टाइप के हमको ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है हम उस ऑर्गन में इनको डेवलप कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, दीज आर द फ्लेक्सिबल, इमोटल एंड अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी जो है इनकी क्लिनिक्स वगैरह से ये बहुत आसानी से नहीं, बट देर आर सम इथिकल इशूज आर कंसर्न. फ्लेक्सिबल अपीयर टू हैव पोटेंशलिटी टू मेक एनी सेल्स एंड दे आर इमोर्टल टाइप ऑफ सेल्स. डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, एक तो डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट यूनिफॉर्मली एंड होमोजेनियसली इनटू ए टारगेट टिश्यू. ये जितना हमें पढ़ने में लग रहा है कि इस तरह से हम किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ों को करते हैं, अभी स्टेम सेल्स पे बहुत रिसर्च जो है वो चल रही है, और जो एनिमल जो स्टेम सेल्स हैं या एनिमल जो सेल्स होती हैं उन पे काफ़ी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है इस तरह का वर्क जो है करना. उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनको मेंटेन करना, ये बहुत एक टफ जॉब होता है. बहुत ही इसमें ध्यान केयर और प्रिकॉशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है. इम्यूनोजेनिक दूसरा एक इशू है जिसमें कि सेल्स जो हैं वो अगर किसी भी रैंडम डोनर से हम लेते हैं तो बहुत आसानी से ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इजी नहीं होता, रिजेक्शन भी हो जाता है. इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन लाइफ की बात यहाँ इसलिए की हुई है क्योंकि अगर इसका हमने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ये जो है एक पूरी ह्यूमन लाइफ के लिए डिस्ट्रक्शन की बात हो सकती है. सो आई होप आपको इसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्टेम सेल्स क्या होती हैं, क्या इनका यूज़ है, किस तरह से इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम कैसे एम्ब्रियो से निकाल सकते हैं, कैसे उसको कल्चर कर सकते हैं, क्या उसके एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड. तो आपको आई थिंक आपको ये सभी क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.